हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट RSVA। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स पहला क्वेश्चन है, देखिए, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने किस कोविड वैक्सीन को 2 साल से 18 साल आयु वर्ग के लोगों पर ट्रायल को मंजूरी दे दी है। द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI हैज अप्रूव्ड Phase 2 and 3 क्लिनिकल ट्रायल ऑफ विच कोविड वैक्सीन इन द एज ग्रुप ऑफ 2 to 18 ईयर्स। इसमें पहला ऑप्शन है Sputnik 5 है, दूसरा कोविशील्ड है, तीसरा कोवैक्सीन है, चौथा है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें कोवैक्सीन है जिसको DCGI ने मंजूरी दे दिया है क्लिनिकल ट्रायल के लिए 2 to 18 ईयर्स के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, जल्द ही में किस राज्य ने महतारी दुलार योजना शुरू की है। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द महतारी दुलार योजना रिसेंटली। पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा बिहार, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उत्तर प्रदेश। तो महतारी दुलार योजना छत्तीसगढ़ में लॉन्च हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा सी पार्ट, छत्तीसगढ़। अगला है, नॉर्टन मोटरसाइकिल कंपनी लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO ऑफ द नॉर्टन मोटरसाइकिल कंपनी लिमिटेड। पहला इसमें ऑप्शन है ल्यूक मेंसफील्ड, दूसरा है सर राफेल स्पेथ, तीसरा है रॉबर्ट हेडसेल और चौथा है ब्रायन निकेथ। तो जो CEO जिसको नियुक्त किया गया है, नाम है रॉबर्ट हेडसेल, सी पार्ट इसका सही आंसर है रॉबर्ट हेडसेल। अगला क्वेश्चन है, जल्द ही में किसे लंदन का उपमेयर नियुक्त किया गया है। हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज लंदन्स डिप्टी मेयर फॉर बिजनेस। तो पहला ऑप्शन है संदीप सिंह, दूसरा है संजय बिंदल, तीसरा है राजेश अग्रवाल, चौथा है अनिरुद्ध राय। तो जिसको लंदन के उपमेयर नियुक्त किया गया है, वो नाम है राजेश अग्रवाल, सी पार्ट इसका सही आंसर है राजेश अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, किस पेंटर द्वारा बनाई गई खिड़की पर बैठी महिला मेरी थेरस पेंटिंग न्यूयॉर्क में $103.4 मिलियन लगभग $7.5 अरब में बिकी। रिसेंटली ए पेंटिंग वोमेन सिटिंग नियर ए विंडो, नाम है उनका मेरी थेरस, वाज सोल्ड फॉर $103.4 मिलियन इन न्यूयॉर्क। हु वाज द क्रिएट आर ऑफ दिस पेंटिंग। तो नाम है जो इसको बनाए हैं उसका क्या नाम है, तो है पाब्लो पिकासो, दूसरा है क्लाड मोनेट, तीसरा है रेमब्रांट, चौथा है लियोनार्डो दा विंसी। तो जो ये पेंटिंग बनाया उसका नाम है पाब्लो पिकासो, तो सही ऑप्शन होगा ये पार्ट पाब्लो पिकासो। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा देश था। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट विच कंट्री वाज द लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ रेमिटेंस 2020। तो ये जो प्रेषण है इसका मतलब होता है जैसे जो लोग विदेश में जाते हैं कमाने के लिए, वहाँ से जो अपने घर पैसा भेजते हैं दूसरे देश से, तो वो पैसा जी आता है उसी को प्रेषण या रेमिटेंसेज कहा जाता है। तो ये विश्व बैंक के रिपोर्ट के अनुसार 2020 में ये देश कौन सा सबसे ज़्यादा जिस देश में विदेश से पैसा आया वो कौन सा है, तो ये ऑप्शन दिया है चीन, फिलीपींस, मेक्सिको, भारत। तो इसमें इस समय भारत पहले नंबर एक पे आया है, भारत में सबसे ज़्यादा पैसा विदेशों से आया है। अगला क्वेश्चन है, CBIC ने महामारी से प्रभावित अपने कर्मचारियों को वित्तीय और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की। CBIC हैज लॉन्च्ड व्हिच
स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड मेडिकल असिस्टेंस टू इट्स एम्प्लॉयज अफेक्टेड बाय द पेंडेमिक। तो इसका इसमें जो ऑप्शन है वो देखिए, इसका ऑप्शन है पहला है भरोसा, दूसरा विश्वास, तीसरा आश्वासन और चौथा है वचन। तो सी बी आई सी ने जो योजना शुरू किया है वो है आश्वासन। आश्वासन योजना के तहत ये अपने कर्मचारियों को वित्तीय और चिकित्सा सहायता प्रदान करेंगे। तो ये थे 17 मई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल्स STD.RSVA एंड आल्सो कमेंट्स, शेयर एंड लाइक्स दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।